हेलो फ्रेंड्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम सेंटेंस पैटर्न सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो वी विल लर्न सम सेंटेंस व्हिच स्टार्टिंग विल बी विद द वर्ड्स इन हिंदी रहा था रही थी रहे थे मीन्स मैं आ रहा था वह जा रहा था तुम खेल रहे थे वो पढ़ रहे थे ओके सो एंडिंग में अगर रहा था रही थी रहे थे इस टाइप के वर्ड्स हम अगर किसी सेंटेंस में यूज करते हैं सो फॉर दैट किस टाइप से हम सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएं, ये आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट वी आर हैविंग

किसी वर्क को करने वाला पर्सन ओके okay? अगर आपके सेंटेंस में आप ऐसा बोल रहे हैं वह लिख रहा था तो यहाँ पे वर्क को करने वाला जो पर्सन है वो कहलाएगा सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है वह अगर आपका सेंटेंस ऐसा हो वे इंदौर जा रहे थे दैन यहाँ पे अगर आपको रिकग्नाइज़ करना हो कि आपका सब्जेक्ट क्या है तो जो स्टार्टिंग में जिनने वर्क को किया वे इंदौर जा रहे थे तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वे आई थिंक आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आ गया अब जैसे ही आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया उसके जस्ट बाद आपको वाज और वर् इन दोनों में से एक वर्ड का यूज़ करना है अब वॉज़ कहाँ आप यूज़ करेंगे अगर आपका जो सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई किया है वहाँ पे ही शी इट और सिंगल पर्सन नेम अगर दे रखा है वहाँ पे आप सब्जेक्ट के साथ वॉज़ यूज़ करेंगे और अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत मीन्स आपका जो डूअर है जो सब्जेक्ट है वो यू वी दे और नेम ऑफ टू और मोर पर्सन अगर यहाँ से आपका सब्जेक्ट का शुरुआत हो रहा है देन यू विल एड वर्ड इन दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट ओके अब रहा थर्ड वर्ड दैट इज़ एक्शन विद आई एन जी अब ये एक्शन क्या होता है एक्शन में जो भी वर्म वर्क कर रहे हैं मीन्स आना जाना खेलना कूदना हंसना रोना बैठना उठना वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग राइट तो वो जो वर्क है वही हमारा एक्शन है उसमें हमें ऐड करना होगा आई एन जी सो दिस इज़ द सिंपल ट्रिक टू मेक सच काइंड ऑफ सेंटेंस अगर आपके सेंटेंस इस टाइप का है वह आ रहा था देन आपको थ्री ये वर्ड जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन्हें यूज करना होंगे सब्जेक्ट आफ्टर दैट वॉज एन वर्ड एंड इन एंडिंग एक्शन विद आई एन जी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड यस यहाँ पे अगर आप स्लाइड में स्टार्टिंग में देख रहे हैं देन हमें दिख रहा है सब्जेक्ट वॉज वर्ड एक्शन विद आई एन जी ओके हियर Left hand side you can see there are sentence in in, in Hindi and uh, right hand side it's English is there so just try to make this kind of sentence main likh raha tha pattern dekho wahi hai है ना ending में रहा था आ रहा है second sentence का pattern भी देखिए हम तुम पढ़ रहे थे last में रहे थे okay third sentence हम बोल रहे थे in ending रहे थे वह हंस रहे थे in ending रहे थे राम योजना बना रहा था इन एंडिंग रहा था राम और मोहन मंदिर जा रहे थे इन एंडिंग रहे थे बच्चे टीवी देख रहे थे इन एंडिंग रहे थे मींस पैटर्न हमारा वही है रहा था रही थी रहे थे ओके तो इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट वॉज और वर में से वन वर्ड एंड देन एक्शन और उसमें लगाना है आई एन जी सो फर्स्ट सेंटेंस हिंदी वाला हम देखें मैं लिख रहा था यहाँ पे वर्क को करने वाला कौन है वर्क को करने वाला है यहाँ पर आई ओके okay? अब आई के साथ हमें यूज़ करना है वॉज और एक्शन क्या हो रहा है यहाँ एक्शन है लिखना लिखना मीन्स राइट इसमें हम लगा देंगे आई एन जी सो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई वॉज राइटिंग तुम पढ़ रहे थे अब यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है यू ओके यू के बाद जस्ट हमें ऐड करना होगा वर देन यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है पढ़ना पढ़ना मीन्स रीड इसमें हम ऐड करेंगे आई एन जी सो आर सेंटेंस विल बी यू वर रीडिंग हम बोल रहे थे यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है एक्शन कर रहे हैं हम मीन्स वी वी के साथ हम ऐड करेंगे वर वी वर और बोलना मीन्स स्पीक उसमें हो गया एड आई एन जी मीन्स स्पीकिंग आर सेंटेंसेस वी वर स्पीकिंग वह हंस रहे थे या वह के प्लेस पे आप वे ऐसे पढ़ें वे हंस रहे थे वे मीन्स दे दे के साथ ऐड होगा वर हंसना मीन्स लाफ लाफ में ऐड करेंगे हम आई एन जी दे वर लाफिंग राम योजना बना रहा था अब एक्शन कौन कर रहा है राम ठीक है और राम के साथ हमें ऐड करना होगा वॉज और योजना बनाना बनाना मीन्स मेक मेक में ऐड किया हमने आई एन जी और जो अदर वर्ड है उसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे राम वॉज मेकिंग प्लान नेक्स्ट सेंटेंस राम और मोहन मंदिर जा रहे थे सो so, एक्शन को करने वाले कौन है राम एंड मोहन टू पर्सन हो गए यहाँ दैट इज़ वाई वी एडेड वर राम एंड मोहन वर अब क्या कर रहे हैं एक्शन क्या हो रहा है यहाँ जाना जाना मीन्स गो हमने ऐड किया इसमें आई एन जी राम एंड मोहन वर गोइंग और अदर वर्ड्स जो हैं वो एंडिंग में हम यूज़ करेंगे सो आरफुल सेंटेंस इज़ राम एंड मोहन फर गोइंग टू टेम्पल बच्चे टी वी देख रहे थे चिल्ड्रन वर् वॉचिंग टी वी सो अगर ये थ्री वर्ड्स हम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में अगर यूज़ करते हैं दैन हम इस पैटर्न के सेंटेंस अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं सो आई थिंक अब हमें एक प्रैक्टिस uh, परपज से एक्शन लेना चाहिए सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दैट हियर वन एक्शन इज देयर एक्शन इज स्पीक अब इस स्पीक एक्शन को लेकर हम सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करेंगे और सेंटेंस फ्रेमिंग ट्राई करेंगे मैं इंग्लिश बोल रहा था आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश हम इंग्लिश बोल रहे थे वी वर स्पीकिंग इंग्लिश तुम इंग्लिश बोल रहे थे यू वर स्पीकिंग इंग्लिश वे इंग्लिश बोल रहे थे दे वर स्पीकिंग इंग्लिश राम इंग्लिश बोल रहा था राम वॉज स्पीकिंग इंग्लिश सो यहाँ सिर्फ अभी एक एक्शन हमने लेकर सेंटेंस बनाने का ट्राई किया आई थिंक आप भी इस टाइप से बहुत सारी एक्शंस यूज करके इस पैटर्न के बहुत सारे सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं आई होप दिस वीडियो विल बी यूजेबल फॉर यू सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू